जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे एक बार फिर से नए इतिहास को रचने के लिए बिल्कुल तैयार है और यहां पर कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन भी पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों, USBRL जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करने वाला हूं और कैसे इंडियन रेलवे इतिहास रचने के लिए यहां पर बिल्कुल तैयार बैठी है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे हमेशा से ही अपनी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अपने ट्रेनों को चलाती है, इसके साथ ही जो नए नए रूट हैं उनको भी विस्तार करके और असंभव से प्रोजेक्ट को भी संभव करती है सिर्फ रेल यात्रियों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, इंडियन रेलवे को भी ऐसे जो मुश्किल प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करके देती है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले कश्मीर की वंदे भारत ट्रेन की, तो हमारी USBRL जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होने के बाद कश्मीर की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो भी कश्मीर पहुंचने वाली है और इसी के बारे में लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट की हम माने तो कश्मीर घाटी को देश की बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बहुप्रतीक्षित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन मतलब कि USBRL जो परियोजना है वो यहाँ पर लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों ने खुद दी है। इसकी जानकारी समाचार एजेंसी कश्मीर न्यूज एंड ऑब्जर्वर्स यानी कि KNO से बात करते हुए उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी मतलब कि CPRO श्री दीपक कुमार ने बताया कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन यानी कि USBRL जो प्रोजेक्ट है उसका काम यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है और उन्होंने कहा लगभग 111 किलोमीटर लंबा कटरा बनिहार रेल लाइन प्रोजेक्ट अभी फिलहाल लगभग 95 से 96% बनकर तैयार हो चुका है और इसका काम भी पूरा हो चुका है, केवल थोड़ा सा काम अभी बाकी है जिसको यहाँ पर बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला उधमपुर बनिहाल रेल ट्रैक इसी साल दिसंबर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में ही पूरा हो जाएगा और इसे डेडलाइन को पूरा करने के लिए रेलवे अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा दिया है। इस बीच दोस्तों, एक अन्य शीर्ष अधिकारी ने बताया कि कटरा बनिहाल के बीच भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण 111 किलोमीटर का जो सेक्शन है उस पर भी काम जारी है और यही सबसे बड़ा टफ चैलेंज है इंडियन रेलवे के लिए और इसको भी इंडियन रेलवे लगभग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकी है। उन्होंने कहा कि एक बार पूरा हो जाने के बाद जो हमारी ट्रेन सेवा है यानी कि जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है वो जम्मू और देश के अन्य हिस्सों से श्रीनगर के लिए चलाई जा सकती है। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों की माने तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको 1 से 2 महीने और लगने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम देखें तो जनवरी या फिर फरवरी 2024 तक जो USBRL प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से अपना काम पूरा कर देगी और इस पर ट्रेनें भी दौड़ सकती है। USBRL प्रोजेक्ट में 119 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 38 सुरंगें शामिल है, मतलब इसमें 38 टनल है जिसमें T49 लगभग 12.75 किलोमीटर लंबी है और ये सबसे लंबी सुरंग है इस रूट की जो इसे देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग भी बनाती है। इसके अलावा 927 पुल और लगभग 359 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज भी शामिल है जो कि देश में एकमात्र केबल पर रुके हुए रेलवे पुल है। दोस्तों, उत्तर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक श्री साकिब यूसुफ ने बताया कि हमें ऐसा उम्मीद है कि देश की सभी हिस्सों से कश्मीर घाटी की ओर ट्रेनें यहां पर बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है क्योंकि USBRL जो प्रोजेक्ट है इसका जो अधिकांश काम है वो यहां पर पूरा हो चुका है और उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर के यात्रियों की सुविधा के लिए कश्मीर घाटी में कई कार्य किए जा रहे हैं और कुछ जो काम है वो पाइपलाइन में है। उन्होंने ये भी बताया कि बड़गाम स्टेशन एक अंतिम स्टेशन है और वहां यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसी तरह अनंतनाग रेलवे स्टेशन भी जो गुड्स टर्मिनल है इसके लिए जो गुड्स शेड है इसका भी काम इंडियन रेलवे करवा रही है। मतलब यहाँ पर हम होप कर सकते हैं कि जनवरी या फिर फरवरी 2024 में हमें कश्मीर में पहली वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये वंदे भारत ट्रेन जम्मू से श्रीनगर के बीच में ऑपरेट होगी। इससे दोस्तों टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है श्रीनगर में और ऐसे भी दोस्तों लाखों संख्या में जो सैलानी है वो श्रीनगर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अगर वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी जम्मू और श्रीनगर के बीच में इंडियन रेलवे करवा देती है तो जाहिर सी बात है कि जो सैलानियों की संख्या है उसमें कई गुना की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, कश्मीर में चलने वाली जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है इसको स्पेशली इंडियन रेलवे ICF में डिजाइन करवा रही है क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ये ट्रेन एक्सट्रीम ठंडे वेदर में चलने वाली है, इसीलिए ये स्पेशली डिजाइंड होगी। इसमें स्पेशली हीटर लगा होगा जो कि ठंड से आपको बचाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, इस ट्रेन में पीने का पानी मिलता रहे इसके लिए भी स्पेशली डिजाइन वंदे भारत ट्रेन ICF में बन रही है और कश्मीर में चलने वाली हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है
ये ऊंचे से ऊंची खड़ी चढ़ाई पर भी चढ़ने के लिए बिल्कुल सक्षम होगी। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हमारा जो USBRL प्रोजेक्ट है इसका 95% जो काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी 4-5% बचा काम आने वाले 1-2 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जनवरी या फिर फरवरी 2024 में हमें इस रूट पर ट्रायल रन देखने को मिल सकता है। हालांकि ये डेडलाइन आगे भी बढ़ाया जा सकता है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कई चुनौतियां आती रहती है और उन सभी बड़ी चुनौतियों से लड़ते हुए भारतीय रेलवे इस प्रोजेक्ट का जो 95% काम है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। फिलहाल दोस्तों USBRL जो प्रोजेक्ट है इसका आगे भी आपको अपडेट मिलता रहेगा और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और कश्मीर के पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।